सत्र पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 4.25 लाख रुपए के नशीले पदार्थ के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अवतार सिंह और कमलजीत के रूप में हुई है, जो कि करनाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से 85 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक प्रतीक कुमार की अगुवाई में टीम मुर्तजापुर में मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि अवतार और कमलजीत डोडा पोस्ट बेचने का काम करते हैं, जो कि अपनी कार से राजस्थान मध्य प्रदेश से डोडा पोस्ट लेकर नारनौल से 152D नेशनल हाईवे से होते हुए पिहोवा आएंगे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर हाईवे के पास गांव मुर्तजापुर पर नाकाबंदी करके चेकिंग करना शुरू। थोड़ी देर बाद टीम को एक कार आती हुई नजर आई, जिसके बाद टीम ने कार को रोककर उनसे नाम पता पूछा, जिसके बाद कार की तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ बरामद हुआ। क्या बताएं, माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार हमारी सीआईए डूबी टीम ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अवतार सिंह काछुआ फार्म का और कमलजीत सिंह ये त्रावड़ी का रहने वाला है, और इनके कब्जे से हमने 85 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है, जो ये एक वरना गाड़ी में राजस्थान से लेकर आ रहे थे। तो हमने नाकाबंदी करके इन दोनों को गिरफ्तार किया है, और 85 किलो चूरा पोस्त और एक वरना गाड़ी हमने इनसे बरामद की है। और अभी हम इनसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से माल लेके आए हैं और कहाँ कहाँ पर इन्होंने देना था, पूरी गहनता से जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँ कि इन दोनों के ऊपर पहले भी NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, और इनके पिछले जो केसेस हैं उनको भी अच्छी तरह से खंगाला जाएगा। और इस 85 किलो चूरा पोस्त की लगभग कीमत 4.5 लाख रुपए के आसपास है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।